रामपुर उपचुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ अलग ही तेवर में दिखाई दिया। अखिलेश ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर दे डाला। सभा के दौरान अखिलेश ने कहा कि वो 100 विधायक लेकर आए, हम उनका समर्थन करेंगे और सीएम बन जाए। इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं, वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। दूसरे के सामर्थ्य से पैदा किए गए बच्चे को खिलाने का शौक पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैदा हो गया। अरे भाई, खुद सरकार बनाओ ना, आप खुद सरकार बनाइए। असल में देखिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व मिटाने पर एकदम से उतारू हो गए हैं। अभी भी जनभावनाओं को समझने का जरा भी प्रयास समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभाओं में और कल रामपुर में उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को यह ऑफर किया है कि 100 सीट लेकर के आए और मुख्यमंत्री बन जाएं, तो 100 विधायक लेकर के आए और मुख्यमंत्री बन जाएं, तो आपको 100 विधायकों को लेकर के जाने का ऑफर है, मुख्यमंत्री बनने का ऑफर है आपके पास अखिलेश जी का? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बेहतर ढंग से काम कर रही है, देश दुनिया में चर्चा है। लाइन आर्डर को आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन दर्शाता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ कहने का। हमारी सरकार 5 साल 8 महीना से अधिक बीत गया, अभी तक एक आरोप वो नहीं लगा पाए हैं, और अपने गिरेबान में झांकें जब उनको सरकार चलाने का मौका है। भ्रष्टाचार, कदाचार, भाई भतीजावाद और अराजकता की आड़ में उत्तर प्रदेश की आग में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। उनका एक और आरोप यह है कि दोनों डिप्टी सीएम हैं लेकिन अपने विभाग में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार पर नियंत्रण है और जैसा जनता चाहती है उस ढंग से हम लोग काम करते हैं। पूरी तरह से सरकार में हम लोगों की प्रभावी भूमिका है और पूरी सरकार पर नियंत्रण, एक विभाग नहीं, हम लोग दायित्वधारी हैं और पूरी सरकार की जिम्मेदारी हम लोगों पर है और उत्तर प्रदेश की जनता की मनोकांक्षाओं के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर मोहर 17 से 22 वाली सरकार में दोबारा 22 के आम चुनाव में जनता ने लगाई है।